दीपक भदौरिया बोल रहे की शुरुआत बड़ी खबर से, 10 जनपद में भूपेश सरकार की लगेगी हाजिरी। जी हाँ, आलाकमान से मिलकर 1 साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट सौंपेगी भूपेश कैबिनेट। पूरा मंत्रिमंडल रहेगा साथ। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 24 जनवरी की सुबह ये मुलाकात होगी। विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत, विधानसभा अध्यक्ष मनोज मंडावी और सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। और इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर सभी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे और ऐसे में अपने परफॉर्मेंस का ब्यौरा सौंपेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। अधिक जानकारी से रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरीके से सभी आलाकमान और कैबिनेट के सभी मंत्री पहुंचेंगे और अपने परफॉर्मेंस का जो ब्यौरा है वो सौंपेंगे, और ऐसे में इस बैठक को या इस मीटिंग को क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है कि दरअसल जहां पूरे देश में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पे छत्तीसगढ़ में कैसे एक के बाद एक कांग्रेस सफलताएं अर्जित कर रही है। विधानसभा चुनाव में जिसके बारे में कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहेगी, वहां पे 3/4 बहुमत के साथ पार्टी ने जीत दर्ज की और जीत का यह सिलसिला 2 उपचुनाव और उसके बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव में भी जारी रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बाकी स्टेट के लिए जब भूपेश बघेल ये सामने अपनी बात रखेंगे अपने विजयी तमाम मेयर्स के साथ, तो और 1 साल में सरकार ने क्या क्या वादे पूरे किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से देश भर में सबसे ज्यादा धान की कीमतें दी जा रही हैं, तो एक मॉडल स्टेट जिसको लेकर के कांग्रेस किसी भी चुनाव में जा सकती है। जैसा कि आपने देखा कि झारखंड चुनाव में जोर जोर से छत्तीसगढ़ का मॉडल गूंजा, उसी तरीके से दिल्ली चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस इसको प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ सकती है, ये एक सामने बात रखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और ये मुलाकात एक तरह से इसी तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जब यूपीए की सरकार थी तो गुजरात को नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक मॉडल स्टेट के रूप में पेश किया, एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में पेश किया और देश के सामने एक विकल्प रखा, उसी तरह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एक विकल्प के रूप में, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, जहां पे जो केंद्र है विकास का वो व्यक्ति है और विकास की सारी योजनाएं उसी को केंद्र में रख करके बनाई जा रही हैं, जो कि महात्मा गांधी का भी कहना था, तो कांग्रेस इसको किस तरह से आगे ले जा सकती है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी और इस बैठक से ये पिक्चर बिल्कुल आलाकमान के सामने क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल रुपेश, ये कहा जा सकता है कि आलाकमान या हाईकमान को खुश करने की एक कवायद है ये, लेकिन इसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं और इसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल रहेंगे इसमें? देखिए, मंत्रियों के अलावा जो तमाम सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे, कई सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं, कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कुछ और मंत्री आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ या आगे पीछे जाएंगे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जो 3 प्रमुख मंत्री हैं जिनकी आला कमान में बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे वो ताम्रधर साहू हो, चाहे वो टी एस सिंहदेव हो, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम क्लियर नहीं है क्योंकि टी एस सिंहदेव आज अंबिकापुर में है, लेकिन अमूमन ऐसी मीटिंग में वो अक्सर नजर आते हैं। चलिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रुपेश। और आपको बता दें कि पूरा मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पहुंचेगा, आला हाईकमान जाकर हाजिरी लगाएगा। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार ने काम किया है, वो अपना कामकाज का ब्यौरा देखे, जो हाईकमान है उसको खुश करेगा और एक प्रोजेक्ट के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप को प्रेजेंट करेगी, जिससे आने वाले चुनाव में भी इसका उपयोग किया जा सके या फिर छत्तीसगढ़ की सरकार का उदाहरण दिया जा सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ के दावोस दौरे का 3रा दिन है।